जॉस बटलर इंग्लैंड के दिग्गज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। बटलर ने बीते साल आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और इस बरस की शुरुआत उन्होंने वहीं से की है जहां पिछले बरस उनकी बैटिंग रुकी थी। बटलर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ताबड़तोड़ 50 के साथ आईपीएल 2023 की शुरुआत की है। इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कैप्टन बटलर ने यशस्वी जायसवाल के साथ राजस्थान की पारी शुरू की और दोनों ही बल्लेबाजों ने पहली गेंद से हैदराबाद के बॉलर्स को कूटना शुरू कर दिया। जायसवाल ने पिटाई की शुरुआत की और जल्दी ही बटलर ने भी उन्हें ज्वाइन किया और ऐसा ज्वाइन किया कि फट से उनसे आगे भी निकल गए। दोनों बल्लेबाजों के दम पर राजस्थान ने पावर प्ले में एक विकेट खोकर 85 रन बना डाले। ये पावर प्ले में उनका अब तक का बेस्ट प्रदर्शन है। इससे पहले उन्होंने आईपीएल 2021 के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पावर प्ले में एक विकेट खोकर 81 रन बनाए थे। बटलर ने 22 गेंदों की अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 50 पूरा कर लिया और उनकी ये बैटिंग देख ट्विटर पर अलग ही बवाल मच गया। लोगों ने बटलर की बैटिंग को विराट के लिए चैलेंज बता डाला। एक यूजर ने ट्वीट किया, बटलर विराट के 973 रन के लिए आ रहे हैं। हर्षा भोगले भी खुद को रिएक्ट करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने ट्वीट किया, क्या कमाल की पार्टनरशिप थी, बटलर ने पावर प्ले में 50 मार दी, ये काफी कमाल की बैटिंग थी। एक अन्य यूजर ने बटलर के आउट होने पर लिखा, एक पागलपन भरी पार्टनरशिप का अंत, सिर्फ 5.5 ओवर्स में 85 रन, जॉस बटलर ने 22 गेंदों पर 54 रन बना डाले। एक यूजर ने ट्वीट किया, जॉस बटलर ने सीजन के अपने पहले ही मैच में सिर्फ 20 गेंदों पर 50 मार दिए, वो अपनी ऑरेंज कैप देने के मूड में नहीं है। एक यूजर ने और ट्वीट किया और लिखा, जॉस बटलर हिम्मत मर्दा मदद खुदा को अर्थ देते हुए, टाइमिंग इतनी सही है कि मिस हिट भी बाउंड्रीज के लिए जा रही है। एक जनाब ने मिर्जापुर वाले कालीन भैया का मशहूर मीम शेयर किया, इसमें लिखा था आते ही काम शुरू कर दिए। एक और यूजर ने ट्वीट किया, बटलर की 973 की रेस पहले गेम से शुरू हो गई है, हियर वी गो अगेन। एक व्यक्ति ने तो इसे EA क्रिकेट बना डाला, इसे ट्वीट किया, जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने EA क्रिकेट मोड एक्टिवेट कर लिया है। वैसे तो आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी हमारा काम बताना है, तो बता दें कि इन ट्वीट्स में आया 973 का रेफरेंस विराट कोहली से कैसे जुड़ा है। दरअसल विराट ने आईपीएल 2016 में 973 रन कूटे थे, ये रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। जब भी कोई बैटर थोड़ी अच्छी बैटिंग करता है तो जनता को सबसे पहले यही रिकॉर्ड याद आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।